नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे फूड टाइम अमेजिंग शो में, जहां पर चलता है शेफ के हाथ का जादू और मसालों की खुशबू से महकता है ये वातावरण। और यहां पर हम हर बार एक खास शेफ को आपके सामने लेकर आते हैं, कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी भी बताते हैं। लेकिन आज कुछ आपके लिए खास सस्पेंस है, क्योंकि हमारे साथ आज जो शेफ हैं वो है सभी शेफ के गुरु। आप जानते होंगे कुणाल कपूर का नाम, ये उनको भी पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे शेफ संजीव वर्मा का। हेलो शेफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट करने पर यहाँ पर आए, और आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है फूड टाइम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शेफ, मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। मैं शुरुआत 1983 से हुई, जब मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा दिल्ली में ज्वाइन किया। बचपन से ही शौक था, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला गया, जबकि फादर आर्मी में थे, बट ही आई नेवर वांटेड टू गो देयर, तो आई एम हियर। लेकिन कुछ खास रेसिपीज जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और अगर आप चाहें इन फ्यूचर में उन्हें दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं जो रेसिपीज बताता हूँ वो जनरली आई एम अ टीचर ऑल्सो, मतलब आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 18 ईयर्स, तो आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट, मतलब आई वॉन्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बट जो अभी मेरे को रेसिपी ध्यान में आई थी वो ये था कि बच्चे आजकल यू नो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं, और यू नो सब्जियां उसके अंदर ना कम से कम हो, ना ही हो तो अच्छा है। सो मदर्स हैव दिस प्रॉब्लम एंड दे कम टू मी कि ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कैसे खिलाए जाए और ये सारी चीज़ें। तो देन आई डिसाइडेड कि एक पालक की बिरयानी बनती है, उसके अंदर हम कॉर्न और किशमिश डालेंगे, बिकॉज बच्चों को कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न का मीठा और किशमिश का मीठा पसंद आता है। तो आज पालक की बिरयानी बनेगी जिसमें कॉर्न और किशमिश का फ्लेवर होगा। इट इज़ वेरी हेल्दी एंड इट इज़ वेरी क्विक एंड लोकल इन्ग्रीडियंट से बनती है, तो हमें कोई रॉकेट साइंस या किसी और सुपर स्टोर पर जाके कोई सामान नहीं खरीदना पड़ेगा। तो शेफ, हम शुरू करेंगे कि किस तरह से इसके इंग्रेडिएंट्स पे पहले हम आते हैं कि इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अब सबसे पहले तो पालक चाहिए होगा। पालक जितना फ्रेश आप ले सकें उतना बढ़िया। बॉइल्ड राइस कोई भी बना सकता है, थोड़ा सा लहसुन, तेल अबाउट 1 चम्मच, जितना कम ले सकें उतना बढ़िया। अमेरिकन कॉर्न, किशमिश, मक्खन, बटर, कोई भी सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी मक्खन आपकी चॉइस का हो वो ले लीजिए। ग्रीन चिली चॉप्ड, जिंजर, इसको पतला पतला काट लेंगे। मैं अपने घर में बनाऊंगा तो मैं ये जिंजर नहीं डालूंगा, बिकॉज मेरे बेटे को नहीं पसंद है, तो आप ये ऑप्शनल है कि आप डालिए या ना डालें। थोड़ा सा गरम मसाला, और फाइनली फिनिश करने के लिए क्रीम, आप मलाई भी ले सकते हैं, अबाउट 1 से 2 चम्मच मलाई, बड़े चम्मच वुड डू। रेसिपी जानने से पहले मैं शेफ संजीव वर्मा से ये जानना चाहूँगी, जो आपने अमेरिकन कॉर्न की बात की थी, अगर अमेरिकन कॉर्न अवेलेबल ना हो तो ऑडियंस क्या यूज़ कर सकती है? मैम, मक्की की छली ले लीजिए, आप उसको बॉयल कर लीजिए, उसको स्क्रेप कर लीजिए, आपके पास ऐसा दाना आ जाएगा जी। ये वैसे अमेरिकन कॉर्न किसी भी जगह फ्रोजन आपको किसी भी दुकान में मिल जाएंगे, 1/2 किलो का पैकेट, 200 ग्राम का पैकेट। तो अब हम शुरू करें शेफ की, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम पानी चढ़ा देंगे, पालक के को बॉयल कर देते हैं, सॉल्ट डालते हैं और इसको अच्छी तरह बॉयल होने देते हैं। पालक को ग्रीन कलर, अच्छा ग्रीन कलर लाने के लिए आपको इसको बॉयलिंग सॉल्टेड वाटर में बॉयल करना पड़ेगा, और इसको कभी ढके ना, क्योंकि जैसे ही हम पालक को ढक देंगे काली हो जाए। और बॉयल करने के 4 से 5 मिनट के बाद इसको ठंडे पानी में डाल दीजिए, बिल्कुल फ्रिज से निकला हुआ ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दीजिए, उसका कलर एकदम ग्रीन, इससे भी बढ़िया ग्रीन आ जाए जी। ये बहुत अच्छी जो टिप्स थी, अक्सर यानी हम ये कहेंगे कि होटल की जो एक है छुपी हुई बात हमारे सामने की, जो हम देखते हैं कि इतना ग्रीन ग्रीन क्यों रहता है। हाँ, ये हम करते हैं, शुरू करें। ये पानी तो हमने बॉयल करने रख दिया, अब हम पालक काटेंगे। पालक को रफली काट लेंगे, हमें कोई बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये पालक कट गया तो हम ये पालक को 3 बार पानी से धोते हैं। आप कोई कई लोग बोलते हैं 4 बार, कई लोग बोलते हैं 3 बार, डिपेंड्स ऑन ऑल,
बट आइडिया बिहाइंड दिस इज़ इसकी सारी मिट्टी या कंकर जो है इसके अंदर वो सब धुल जाए, तब हम इसको पानी में डाल देंगे। अब इसको हम बॉइलिंग सॉल्टेड वाटर में डालेंगे। अब आप डालेंगे कि मैं डालूं? अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे, पर इसको हमने ढकना नहीं है, इस पे ढक्कन नहीं लगाना। 5 मिनट बॉईल होने के बाद हम इसको छलनी में छान लेंगे और बिल्कुल ठंडे पानी में, कई लोग तो बर्फ वाला पानी यूज करते हैं, तो हम फ्रिज वाला पानी यूज करें, होटलों में तो हम लिटरली बर्फ वाला पानी यूज करते हैं। तो उसको निकालने के बाद हम इसको फिर पानी निकल जाएगा स्ट्रेन कर लेंगे, जब बिल्कुल पानी निकल जाए ऑलमोस्ट हम इसको हाथ से स्क्वीज करते थे, स्क्वीज करने के बाद हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं, प्योरे बन जाता है। अब इसका कलर ऐसा आएगा, मैंने पहले से तैयार करके रखा है बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है शो में कि हम बॉयल करें और वो करें, तो ये इसका कलर ग्रीन कलर। अब आप देखिए ये हमारा पालक रेडी है। एक बार पालक रेडी हो गया या चाहे आपके पास फ्रिज में पड़ा है, चाहे आपने एक दिन पहले बना लिया या दोपहर को बना लिया, उसके बाद इट इज़ अ प्रोसेस ओनली बाय द वॉच 5 मिनट्स, उसके बाद देयर इज नथिंग मच टू बी डन। अब उसकी रेसिपी हम आपको बता देते हैं। ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपके घर में है, इट डजंट मैटर। इसमें 1 टेबलस्पून या टीस्पून, आप 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून इज बेटर। अगर आप एक आदमी के लिए बना रहे हैं आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए फॉर हाउ मेनी एवर पीपल यू वांट टू। अब मेरे ख्याल से तेल गर्म हो गया, हम थोड़ा लहसुन ले लेते, अबाउट 1 तुरी 2 तुरी। लहसुन को मैं सीधी तरीके से नहीं, इसको थोड़ा पीस लेता हूँ, फ्लैट हो जाता है। अब इसके बाद इसमें फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आता है, ये मेरी सोच है, बट हर एक के अपना तरीका होता है, इट डजंट मैटर। थोड़ी सी ग्रीन चिली, बिकॉज मैं रेड चिली पाउडर इसलिए नहीं डालना चाहता कि पालक का रंग ग्रीन है तो वो पालक के रंग को बिठा देगा, तो सो हम ग्रीन चिली, बट आप अपने हिसाब से डालिए जितनी आपको ज़रूरत है। अब हम इसके अंदर पालक डालेंगे, अबाउट 1 कड़छी, एक गुच्छी पालक से अबाउट 2.5 से 3 कड़छी आपके पास ये प्यूरे निकल के आएगा। सो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको 3 आदमी के लिए बनाना है तो 1 गुच्छी पालक बहुत है, बट अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उसके मल्टीपल्स में आप चलते जाएंगे। नमक, थोड़ा गरम मसाला, धनिया पाउडर, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मिनट के लिए आप इसको पकने देंगे सो दैट पालक के का अपने आप भुनाव हो जाए। एक बार पालक का भुनाव हो जाता है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन डालते हैं। वन डाइस आप यूज कर सकते हैं मक्खन, अबाउट 5 ग्राम, 5 से 10 ग्राम के बीच में, डिपेंड्स ऑन आप कितना पालक यूज कर रहे हैं। बटर मेल्ट हो गया, अब आप इसके अंदर चावल डाल, चावल आप कोशिश करिएगा कि 1 कणी कम रखिए, बिकॉज अब जब वो पालक के साथ पकेगा तो वो पूरा फूल जाएगा। अगर ओवर बॉइल्ड हो गए चावल नो प्रॉब्लम, बट आप ये कोशिश करिएगा कि इसको 1 कणी कम करें। तो फिर हम इसको मिलाएंगे तो इसका रंग देखिए अब एकदम अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना है चावल के साथ पालक का। या अब 1-2 मिनट इसको मिल लेने दीजिए, चावल को वो कणी पक लेने दीजिए, ओके। फिर इसके बाद हम कॉर्न ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून, और 8 से 10 किशमिश ये डालेंगे। अब हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे, क्रीम हम पहले नहीं डालेंगे जब हम इसको फिनिश करने वाले होते हैं, दैट्स द टाइम वी स्टार्ट पुटिंग क्रीम।
क्रीम अबाउट 1 से 2 चम्मच। अभी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, हम इसको दो मिनट के लिए रखते हैं, तब तक हम इसका रायता बनाते हैं। ये डिश बहुत अच्छी जाती है कर्ड के साथ, और पर वी आर गोइंग टू गिव इट अ ट्विस्ट दैट वी आर गोइंग टू मेक इट विथ बीटरूट प्यूरे। पहले हम बीटरूट चुकंदर को लेके बॉईल करके उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम दही ले लेते हैं, और इसके अंदर हम थोड़ा सा बीटरूट डालेंगे, ये देखिए, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अब सॉल्ट ऐड करिए, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करिए, आप इसमें अनार दाना भी डाल सकते हैं इफ यू वांट टू, बट ये कलर आना चाहिए। अब मैम हम इसकी प्लेटिंग करेंगे जी। तो आप करेंगे प्लेटिंग? इसको थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। अब अरे वाह, इसमें ग्रीन भी है, रेड भी है, येलो भी है, ये शेफ आप क्या यूज़ कर रहे हैं? अब ये कलर के लिए मैं थोड़ा रेड कैप्सिकम डाल रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास पिंक भी हो गया, पर्पल भी हो गया, सारा कुछ हो गया, तो थोड़ा रेड मेरे को ऐसा लगा कि वो कुछ थोड़ा सा रह गया, तो आई थॉट कि आई थिंक इट्स रेडी। ये आपकी ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा निकल कर आया है इसमें कलर, इसमें ग्रीन भी है, वाइट भी है, येलो भी है, रेड भी है, और थोड़ा सा जो है कैप्सिकम का जो एक अलग सा कलर होता है, थोड़ा ऑरेंजिश, वो भी इसमें निकल कर आया है, और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अब शेफ मुझे लगता है खाने को कहते हैं वेट नहीं करवानी चाहिए, तो ऑफकोर्स मुझे इसे थोड़ा सा खा लेना चाहिए। आई एम सो सॉरी कि आप ये लुत्फ़ नहीं ले सकते, बट हाँ खुद बनाकर आप इसे खा सकते हैं, लेकिन शेफ़ के हाथों का तो मुझे ही मिलेगा। बहुत अच्छा, जिसमें टेस्ट के साथ साथ जो मैं खुद फील कर रही हूँ, तो जिसमें क्रीमी है, जो उसका क्रीमी फ्लेवर है वो पूरी तरह से निकल कर आ रहा है, और जो कॉर्न है जो, और थोड़ा बहुत जो इसमें राइस का जो च्यू वाला जो फ्लेवर है वो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है। बहुत सॉल्ट का जो बिल्कुल लाइट सा शेफ ने इसमें यूज़ किया है, हर चीज़ इसमें बहुत उम्दा एक निकल कर आई है। मैम आपने रायता तो टेस्ट किया ही नहीं, और रायता को कॉम्बिनेशन के साथ खाना। अब मैं इसे रायते के साथ जो दही और चुकंदर का शेफ ने बनाया है उसके साथ मैं इसे मिक्स करके ट्राई करूंगी। अमेजिंग, जो पहले था उसका जो फ्लेवर है और ये दोगुना हो चुका है। इसमें चुकंदर दही के साथ जो एक थोड़ी सी जो उसकी मिठास है वो भी इसमें निकल कर आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी, और आपने इसको अच्छे तरह से नोट कर लिया होगा। तो जाइए मत, रुकिए, अभी शेफ को थैंक्स तो करना बाकी है। थैंक यू शेफ संजीव वर्मा, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी ही अच्छी, और ख़ास तौर पर जो एक फीमेल्स की प्रॉब्लम रहती है एक हेल्दी फूड बच्चों को खिलाना, वो आपने यहाँ पर सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।